हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं मुंबई भटियारा स्टाइल इटालियन चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन विद बोन्स लिया है। मैंने इसमें 1 tablespoon जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 teaspoon सॉल्ट एंड 1 teaspoon लेमन जूस लगाकर इसे मैंने मैरिनेट कर लिया था। मैंने इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 cup दही। वन टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, इसमें मैं ऐड करूंगी 1 teaspoon कसूरी मेथी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेने का। इसको अच्छे से मिक्स करके इसे मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं एक पेस्ट तैयार करूंगी। 1 cup हरा धनिया लिया है मैंने, 1/4 cup पुदीना, 7 से 8 हरी मिर्चें और 2 onions को मैंने रफली चॉप किया है। इसको मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon ज़ीरा पाउडर, 1 tablespoon सौंफ। सौंफ को मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया था। मैंने 7 से 8 काजू और 2 tablespoon मगज़ को पानी में आधे घंटे के लिए सोक किया था, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैंने इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। मैंने 4 बड़ी साइज़ के प्याज को फ्राई कर लिया है, इसे मैं निकाल लूँगी। अनियंस को मैंने निकाल लिया है। पटेटोस को मैंने इस तरह स्लिट किया है और मैंने इसको सॉल्ट लगाया है, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। इसे भी मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। पटेटोस भी डीप फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। पटेटोस को मैंने निकाल लिया है। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और यही ऑयल मैं बिरयानी बनाने में यूज़ कर लूंगी। मैंने पानी को बॉईल करने रखा है। जितने क्वांटिटी में आप राइस लेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा हमें पानी ऐड करना है। मैंने 4 cups बासमती राइस लिया है तो मैंने 16 cups पानी को बॉईल करने रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 तेज़पत्ते, 2 sticks दालचीनी के, 2 बादियान के फूल, 6 से 7 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 1 teaspoon ज़ीरा। इसमें मैं 3 teaspoon सॉल्ट ऐड करूँगी, 1 teaspoon लेमन जूस और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मैंने 4 cup बासमती राइस को इस तरह पानी में सोक किया है 1 घंटे के लिए। अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस हमें लेना है, लॉन्ग ग्रेन। अब हम इसे पानी में डाल देंगे। अब राइस को हम 90% कुक करेंगे और इसको ड्रेन कर लेंगे। जब तक राइस कुक हो रहे हैं हम अपनी चिकन कुक कर लेंगे। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैंने 1 tablespoon बटर ऐड किया है। मैंने बेल पेपर्स लिए हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने हाफ हाफ लिए हैं तीनों। इसको मैं बटर में रोस्ट कर लूँगी। हाई फ्लेम पर ही हमें कुक करना है। बेल पेपर्स हो गए हैं, इसको मैंने निकाल लिया है। अब उसी पैन में मैं ऐड करूँगी 2 to 3 tablespoon ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अनियंस को फ्राई किया था। अब इसमें मैं 1 teaspoon बटर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 tablespoon गार्लिक चॉप्ड। गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। गार्लिक अच्छी गोल्डन हो गई है। इसमें मैं ये मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। इसको कवर करके 5 minutes हाई फ्लेम पर मैं कुक कर लूँगी। जब तक हम राइस को भी चेक कर लेंगे। राइस हमारे कुक हो गए हैं 90%। अब मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। राइस को मैंने ड्रेन कर लिया है। अब चिकन को चेक कर लेंगे। अब जो पेस्ट मैंने प्रिपेयर किया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे।
मैं अब इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। मैंने सॉल्ट मैरिनेशन भी ऐड किया था, तो अब मैं इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप चेक करके ऐड कर सकते हो। इसको अब कवर करके चिकन टेंडर होने तक मैं कुक कर लूँगी। चिकन को अब चेक कर लेंगे। चिकन हमारी ऑलमोस्ट कुक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहो तो बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हो। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप मेयोनीज, 1/4 कप फ्रेश क्रीम। मैंने घर की मलाई ली है, आप चाहो तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हो। इस तरह का पाउडर ग्रीन कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। आप लिक्विड कलर भी ऐड कर सकते हो। इसको हम बॉईल आने देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ गया है, ग्रेवी रेडी है। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। अब हम अपनी बिरयानी असेंबल करेंगे। जिस पॉट में हमें लेयरिंग करना है उसमें पहला लेयर हम राइस का रखेंगे। एक पतला सा लेयर लगाना है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिसमें हमने अनियंस को फ्राई किया था ये वही ऑयल है। 1 टेबल स्पून जितना हम डालेंगे, और इस पर हम 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। इससे हमारे राइस और मसाला नीचे से चिपकेगा नहीं पैन को। इस पर अब हम अपनी ग्रेवी डालेंगे। पहले हम चिकन के पीसेस को अरेंज करेंगे और फिर पूरी ग्रेवी इस पर डालेंगे। इस तरह चिकन के पीसेस पहले हम रख देंगे, एकदम से पूरी ग्रेवी इस पर नहीं डालेंगे। अब हम ग्रेवी डालेंगे। ग्रेवी को मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब जो पोटैटोज़ हमने फ्राई किए थे वो हम अरेंज कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पोटैटोज़ डालना है तो आप डाल सकते हो। इसके ऊपर जो अनियंस हमने फ्राई किए थे वो डालेंगे। थोड़ा क्रश करके हम ऐड करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी अनियंस हम इधर ही डाल देंगे। इस पर अब हम चीज़ ग्रेट करेंगे। आपको जितना चीज़ चाहिए आप डाल सकते हो, ये प्रोसेस चीज़ है। मैंने 1/2 कप जितना ऐड किया है। आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप और भी डाल सकते हो। इस पर हम जायफल और जावित्री की पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, 1/4 टीस्पून जितना हम ऐड करेंगे। अब जो बेल पेपर्स हमने फ्राई किया था बटर में वो इस पर रख देंगे। इस पर हम सेकेंड लेयर ऑफ राइस डालेंगे। मैंने राइस का सेकेंड लेयर लगा दिया है। अब मैंने एक कटोरी रखी है, इस पर ये जलता हुआ कोयला रखूँगी। थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और इसको इमीजिएटली कवर करूँगी। इसको हम 5 से 10 मिनट इसी में रहने देंगे और निकाल देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ये कटोरी अब मैं इसमें से निकाल दूँगी। ये अच्छा स्मोकी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर फ्राइड अनियंस डालूँगी। इस पर जो बेल पेपर्स हमने बचाए थे वो डालेंगे। एक्स्ट्रा बटर जो था वो भी हम इसी के ऊपर डाल देंगे। इस पर 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री की पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। केवड़ा वाटर डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना। ये केवड़ा वाटर है, एसेंस नहीं है। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। 50 ग्राम्स बटर को मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है, ये क्यूब्स में मैंने कट किया है। ये हम इस तरह डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हैं। मैंने 1/4 कप पानी में ग्रीन कलर को मिक्स किया है। ये हम इस तरह डाल देंगे। वन फोर्थ कप जितना मिल्क है ये मैं इसके ऊपर डालूँगी।
जिसमें मैंने अनियंस को फ्राई किया था, वो 1 टेबल स्पून ऑयल मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। अब मैंने इसके ऊपर ये ढक्कन रख दिया है। अब मैं इसको दम पर रखूँगी। नीचे मैंने तवा रखा है। मैं 5 मिनट्स इसको हाई फ्लेम पर कुक करूँगी और फिर 20 to 25 मिनट्स इसको मैं स्लो फ्लेम पर कुक कर लूँगी, जब तक चावल हमारे दम पर नहीं आ जाते। अब हम अपनी बिरयानी को चेक कर लेंगे। स्टीम एस्केप हो रही है, बिरयानी हमारी बनकर रेडी है, आप देख सकते हो। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत अच्छी बिरयानी हमारी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।